छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने भाजपा द्वारा लगाए गए आरोप को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि भाजपा के पास मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चेहरे के आगे कोई चेहरा नहीं है, सरकार के जनकल्याणकारी योजनाओं के आगे कोई मुद्दा नहीं है। भूपेश सरकार में प्रदेश का हर वर्ग खुशहाल हुआ है। भाजपा राजनीतिक हताश में जो आरोप लगा रही है उसका कोई प्रमाण नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा का आरोप पत्र झूठ का पुलिंदा है। ये आरोप पत्र भूपेश सरकार के खिलाफ नहीं, छत्तीसगढ़ की 3.25 करोड़ जनता के खिलाफ लाया गया है। ये छत्तीसगढ़ को बदनाम करने की भाजपा की साजिश है। दीपक बैज जी ने जारी किया था, लेकिन दुर्भाग्यजनक है कि इस बारे में एक शब्द भी बोलने का साहस अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं दिखा पाए। और मजेदार बात यह है कि 1 लाख करोड़ रुपए के कमीशनखोरी के आरोप जिनके ऊपर लगे हैं, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारी सरकार के ऊपर जिसके ऊपर 1 भी रुपए का प्रमाणित भ्रष्टाचार का आरोप आज तक भाजपा नहीं लगा पाई है, वो आरोप पत्र जारी करते थे। मित्रों, भाजपा का जो यह आरोप पत्र है वह छत्तीसगढ़ को बदनाम करने की साजिश है। वह छत्तीसगढ़ जो कुछ साल पहले नक्सलगढ़ के नाम से विख्यात था, जिस छत्तीसगढ़ की पहचान आज एक अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता धान के कटोरे के रूप में हुई है, देश का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा धान उत्पादक राज्य, देश का सबसे बड़ा किसानों को उनकी उपज की कीमत देने वाले राज्य को बदनाम करने की साजिश है भारतीय जनता पार्टी का आरोप पत्र। और मजेदार बात तो यह है कि इस आरोप पत्र को वो अमित शाह जारी कर रहे हैं जिनके खिलाफ में 1,45,000 शिकायतें केंद्र सरकार के पास पहुंची है और केंद्र सरकार उसकी जांच नहीं करवा पा रही है। भारतीय जनता पार्टी के आरोप पत्र को देखने के बाद यह साफ हो रहा है कि जो ईडी और आईटी घूम घूम के छत्तीसगढ़ में गलियों में घूम घूम के जो पटकथा लिख रही थी, उस पटकथा का ही प्रारूप भारतीय जनता पार्टी के आरोप पत्र में है। इस आरोप पत्र में जो उन्होंने एक कार्टून जारी किया है, उस कार्टून को देखने से साफ साफ लग रहा है कि यह आरोप पत्र ईडी और आईटी की पटकथा है। आरोप पत्र लगाने के पहले अमित शाह को यह भी जवाब देना था कि 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की लागत में बनने वाली सड़क 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर में कैसे बनी, इस अकूत भ्रष्टाचार के लिए दोषी कौन है। आखिर केंद्र सरकार के दूसरे नंबर के मंत्री हैं, इसका जवाब भी उन्हें देना चाहिए। मित्रों, यह आरोप पत्र भूपेश बघेल की सफलता का भी परिचायक है। जिस छत्तीसगढ़ी सभ्यता और संस्कृति को पिछले 5 साल में बढ़ाने का काम भूपेश बघेल कर रहे हैं, अंततः भारतीय जनता पार्टी को मजबूर होना पड़ा कि उसने अपने आरोप पत्र में छत्तीसगढ़ी भाषा को स्थान दिया। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी ने 4 बार अपना संकल्प पत्र जारी किया था, पूरे संकल्प पत्र में कहीं भी एक शब्द भी छत्तीसगढ़ी लिखने की हिम्मत साहस या छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रति सम्मान प्रेम उन्होंने नहीं दिखाया था। लेकिन यह भूपेश बघेल का पिछले 5 साल में जो छत्तीसगढ़ी आवाज छत्तीसगढ़ में लाने की कोशिश की गई, जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई, ये उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने आरोप पत्र में छत्तीसगढ़ी भाषा को का उपयोग करने को मजबूर होना पड़ा। ये भूपेश बघेल की सफलता है। भारतीय जनता पार्टी के आरोप पत्र जारी करते समय स्वयं अमित शाह के ऊपर 1,45,000 शिकायतें दर्ज, 1 लाख करोड़ से अधिक के भ्रष्टाचार के आरोपी जिनके ऊपर में 36,000 करोड़ का नान घोटाला है, डॉक्टर रमन सिंह जी बाजू में बैठे हुए थे, एक तरफ बैठे हुए थे माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी जिनके ऊपर झलकी घोटाले का आरोप है। तो ऐसे घोटाले बाजों को लेकर अमित शाह जी हमारी पाक साफ सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी कर रहे हैं। ईडी और आईटी की 200 से अधिक कार्रवाइयां कराने के बावजूद भी हमारी सरकार के खिलाफ एक भी ठोस मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं था, यह उनके आरोप पत्र को पढ़ने के बाद साफ दिख रहा है। भाजपा का यह आरोप पत्र पूरी तरीके से झूठ का पुलिंदा है और छत्तीसगढ़ की 3.25 करोड़ जनसंख्या को बदनाम करने की साजिश है।